हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल लता एंड शंकर ब्लॉग में। और देखिए, अभी मैं अपने छत पर हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे छत से ये गांव का नज़ारा बहुत प्यारा लगता है। और आप सबको भी पता ही होगा कि शहर से ज़्यादा गांव का वातावरण शुद्ध होता है। और मैं यहाँ छत पे आई हूँ तो चारों तरफ इतना हरा भरा दिख रहा है कि मैं आप सबको दिखाती हूँ, बहुत अच्छा लगेगा आप सबको। ये देखिए, ये मेरा छत है और देखिए ये छत से देखिए ये चारों तरफ जहाँ तक भी आपका नज़र जाएगा ये चारों तरफ बहुत ही हरा भरा दिख रहा है। देखिए ये और देखिए यहाँ से कितना हरा भरा दिख रहा है, जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी ना सिर्फ पेड़ पौधे और ये सब ही नज़र आएंगे। देखिए इसलिए कहते हैं ना कि गांव का जो नज़ारा होता है ना वो बहुत ही प्यारा होता है। मतलब आप जहाँ तक भी देखो सिर्फ शुद्ध वातावरण, शुद्ध हवा ही ये सब नज़र आ रहा है। ये देखिए गांव है तो गांव में सब ऐसे ही दिखता है। और देखिए ये मेरा घर है। ये देखिए ये मेरा घर है, अभी मैं छत पे आई हुई हूँ। और ये देखिए मेरी बेटी, क्या कर रही हो बेटा, क्या खा रही हो? चिप्स खा रही हो? हाँ। अच्छा, अभी कहाँ गई थी तुम? उधर मत जाओ, ज्यादा गिर जाओगी, इधर आओ। ओ, बाबू के लिए पैंपर्स लाने गई। हाँ। थी अच्छा ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी बड़ी मम्मी का छत है। देखिए मेरी बड़ी मम्मी के घर में ना कबूतर है, देखिए बहुत सारा कबूतर है, अभी तो बहुत कम दिख रहा है ऊपर में। और देखिए कितना सारा कबूतर है, वाइट कलर का भी कबूतर है और भी कबूतर है पर अभी सब ना ऊपर नहीं आया हुआ है। और क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले ही बारिश हो रहा था तो इसीलिए शायद लगता है सब ऊपर नहीं आया हुआ है। देखिए चलिए देखते हैं मम्मी क्या बना रही हैं आज खाना में, तो क्योंकि शाम हो गया है तो तैयारी तो खाना का कर ही रही होगी। तो चलिए चलकर देखते हैं कि मम्मी क्या बना रही है और मेरा आरव क्या कर रहा है। देखिए हम नीचे आ गए हैं और ये है मेरा छत जहाँ अभी हम ऊपर में चढ़े हुए थे और ये नीचे आ गए हैं। और देखिए मेरा मम्मी यहाँ थोड़ा सा जगह है, बारी हम लोग का है थोड़ा सा, या इसी में देखिए क्या क्या लगा दी है। देखिए ये मकई लगाई है और ये शायद खीरा है और इसमें नेनुआ भी है। और देखिए चारों तरफ मकई लगाई हुई है और इधर भी आने पे ना, जैसे हम इधर मेरा कुआं भी है एक ठो। बेटा इधर आओ, उधर मत जाओ, इधर आके रहो। देखिए यहाँ पे एक कुआं है हमारा, ये हम ही लोग का है कुआं, पर मैं दिखाती हूँ कुआं भी भरा हुआ है अभी क्योंकि अभी बारिश है ना। देखिए सामने ही पानी है, ज़्यादा दूर में नहीं है। ये देखिए अभी बारिश का मौसम है इसलिए चारों तरफ इसके पेड़ पौधा उग गया है। और देखिए यहाँ से भी मेरा घर, ये मेरा घर है, मेरा घर का पीछे तरफ का है, पर देखिए यहाँ भी कितना हरा भरा दिख रहा है सब कुछ, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है ना तो सब कुछ हरा भरा दिख रहा है। और देखिए ये जो है ना, ये गुलाब का पेड़ है, देखिए गुलाब का फूल का है। देखिए एक दो ठो रोज है यहाँ पर, तो ये इतना बड़ा हो गया है ना, इसको हम लोग बहुत छोटे में लगाए थे, उस समय शायद हम लोग का शादी भी नहीं हुआ था तब का लगाया हुआ है। और अभी बारिश का टाइम है तो घास उस भी सब कुछ बहुत ज़्यादा हो गया है। और चलिए देखते हैं मम्मी क्या बना रही हैं। अब देखिए हम किचन जा रहे हैं, पर यहाँ लाइट अच्छा नहीं है इसीलिए ज़्यादा अच्छा तो आएगा नहीं। चलिए मम्मी, देखिए मम्मी इधर खाना बना रही है, पूछते हैं क्या बना रही है। स्मेल तो बहुत अच्छा आ रहा है, सेंट क्या बना रही है मम्मी? खीर बना रहे हैं। खीर, खीर, वाह देखिए मम्मी खीर बना रही है।
मेरे पोती के लिए खीर बना रहे हैं, आज खीर खाना चाहती है। ये जब से आए हैं ना यहाँ पर, ईशा बार बार बोल रही थी कि खीर बनाना, खीर बनाओ नानी, खीर बना, इसलिए मेरी मम्मी खीर बना रही है। पूरी बना देंगे और सब्जी भी बनाएंगे। पूरी भी बनाएगी और सब्जी भी बनाएगी। और देखिए खीर शायद रेडी हो गया है बनकर, और उसके बाद देखिए, देखो बेटा तेरा खीर बन गया, नानी खीर बना दी। चलिए खीर बन गया है, ईशा अब खाएगी। देखिए इसका जीव कितना लंबा हो रहा है खाने के लिए ना बेटा। ठीक है चलते हैं यहाँ से, खीर तो बन गया है, अब मम्मी पूरी बनाएगी और उसके बाद सब्जी बनाएगी, देंगे उसके बाद बनेगा। अभी आलू बॉईल हुआ नहीं है, आलू का सब्जी भी बनाएगी और पूरी साथ में बनाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, बने रहिए ब्लॉग में। ये देखते हैं आरव क्या कर रहा है, बहुत देर से लगता है वो सोया हुआ था, अभी आवाज तो आ रहा है, लगता है उठ गया है, तो चलिए देखते हैं। ओली बच्चा क्या कर रहा है बेटा, आरव आरव क्या कर रहा है बच्चा, क्या हो रहा है बेटा, ओ बाबा क्या हो रहा है, क्यों रो रहा है, तुम रो रहा है कि क्या कर रहा है, पता ही नहीं चल रहा है बेटा, ये गुस्सा हो रहा है, देखिए पता नहीं क्यों गुस्सा हो रहा है, ये लगता है ये गोदी लेने के लिए बोल रहा है, क्योंकि काफी देर से लेटा हुआ है ना इसीलिए। क्या हुआ बच्चा, गोदी लेना है, गोदी ले ले तुमको, देखो आ रहा हूँ, देखो हाय करो, हाय करो और बोलो कि फ्रेंड्स लोग कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स बने रहिए ब्लॉग में, ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है। ठीक है मिलते हैं फिर आपसे बाद में, तब तक के लिए बने रहिए ब्लॉग में।